फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर को बहुत ही यूज रिस्पॉन्स मिला है, एक या दो दिन में ही मिलियंस ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कमेंट्स मिल रहे हैं दर्शकों से, आपके फ्रेंड्स और इंडस्ट्री से, पहले तो ये जानना चाहिए। मैंने ये सुना है कि अबाउट मी, मैंने ये सुना है कि तुम्हें ऐसे कभी पहले देखा नहीं, ऐसी फिल्म करते हो और ऐसा डांस करते हो, ये बहुत सुन रहा हूँ मैं। यू obviously मुझे भूतनी के रूप में तो देखा नहीं है, बट anyway there's everybody is loving the sending a lot of love for the trailer. कुछ 13 या 14 million already हो गए हैं, and तो ये दिखता है कि audience ज़्यादा like कर रही है, so it's great. Okay, अभी सर पहले तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या play करते हैं? मेरे character का नाम है नानू, वो काफ़ी वो criminal किस्म का आदमी है और वो अपने दोस्तों के साथ लोगों के घरों पर कब्जा करता है और उन्हें सस्ते में खरीदता ज़्यादा में बेचता है, यू नो। और एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक भूतनी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्राइम भी नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा लल्लू बन गया है, अभी एक क्रिमिनल से एक लल्लू बन गया है वो। आई थिंक उसी में कुछ कॉमेडी है और इसी में वो रिडेम्पशन है उस कैरेक्टर के लिए। मैं भूतनी बनी हूँ तो जाके फिल्म देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। कितनी स्कैरी होने वाली है वो जानना चाहिए। ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, पर उतनी स्कैरी नहीं है क्योंकि ऑल्सो इट्स अ कॉमेडी फिल्म, तो स्पूक्स यहाँ वहाँ है, पर इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म। ओके सर, ये मैं ये तो बहुत ही सुने कि आपको मिलियंस ऑफ व्यू मिले, सर ने भी जैसे कहा कि डांस को लेकर सर के बहुत चर्चे हो रहे हैं कुछ ज्यादा ठुमके को लेकर, तो पहले तो आपसे जानना चाहिए कैसे लगे मेरे को बेस्ट लगे अब है, मतलब ऐसे ठुमके एंड दैट टू सो हाउ डू यू कॉल लाइक सपना को वो मतलब कॉम्पिटिशन दे रहे तो फुल आइटम बॉय में मुझे बड़े अच्छे लगे। अब ऐसे कितना आसान था आपको डांस करने के? यार मेरा हमेशा ये मेंटेन मैंने किया है ना कि मुझे सॉन्ग एंड डांस नहीं करना है, अगर वो कहानी को रुकावट में डाल देगा तो फिर क्यों डाल रहे हैं हम वहाँ पर। मैं तो वैसे भी मुझे तो नाचना आता नहीं है, बट यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने समझाया मुझे कि यार शादी है, सपना चौधरी को तुम जानते हो? मैंने बोला हाँ जानता हूँ। तो सपना को इन्वाइट किया, उन्होंने वो परफॉर्म कर रही है, वो तेरे कैरेक्टर को देखती है, तुझे बोलती ऊपर आ और तू फिर वो नाचता है उसके साथ। और मैंने देखा कि हाँ यार ये तो सीन ही रहा ना फिर, मतलब कि एक तो एक डिफाइनिंग मोमेंट मिल गया मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए कि वो ऐसे नाचेगा, सपना का फ़ैन रहेगा, ऐसी शादियों पे जाएगा, अपने दोस्तों के साथ ऐसे वो करेगा, तो मुझे बहुत हेल्प मिली और मैंने उसको एक सीन की तरह ट्रीट किया है, ना कि गाने की तरह ट्रीट किया है, यू नो। तो मैं खुश था करके, और ऑफ कोर्स सपना, आई मीन इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद हर। ओके, ये मूवी में जैसे कि आप भूत का एक रोल कर रहे हैं, तो निजी जिंदगी में क्या बिलीव करते हैं, क्या होता है ऐसा कुछ, या सुपरस्टिशन आप मानते हो? मैं बिलीव करता हूँ कि जरूर होंगे, मैं मेरा कभी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, आई एम श्योर एग्जिस्ट करता है, यू नो। आई डोंट नो, या आई टेक अ न्यूट्रल स्टैंड ऑन दीस थिंग्स, आई डोंट इट बी एरोगेंट, इट बी एरोगेंट टू थिंक यू नो दैट यू नो इट ऑल। It's like the world revolves around the earth, yeah, you know, the arrogance of that. That's and you realize, true. No, the earth revolves around the sun. तो सर तो बिलीव करते हैं आप? मैं आंखों देखी मैं बिलीव करती हूँ, तो मैंने देखा नहीं है तो मैं नहीं बिलीव करती हूँ। See, that's scary. That means you're calling upon it to prove it exists. It's like telling the universe कि आओ। Yeah, come, I'm bending over right मैं now. मैं बिलीव करती हूँ। है भाई, रहो वहाँ पे। Okay. सर आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं अपने अब तक की करियर में, एक कोई ऐसा आपका ड्रीम रोल है जो फ्यूचर में करना चाहे या आप ऐसा कोई प्ले करना चाहे? एक रोल था जब मैंने देवडी का आइडिया कंसीव किया, मेरे दिमाग में था बचपन से कि हाँ देवदास का कैरेक्टर करना चाहिए एक दिन, तो इसलिए मैंने उसका ट्रीटमेंट लिखा और उसको डेवलप करवाया, बट उसके अलावा ऐसा कोई था नहीं ड्रीम रोल। नहीं, नो, आई डोंट हैव एनी ड्रीम रोल एज सच, पर मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा ज़रूर बनना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है। सुपर पावर को लेकर बात करें तो सुपर पावर्स मेंस के ऊपर बहुत सारे मूवीज बने, डू यू थिंक वुमेन्स के ऊपर भी बनना क्यों चाहिए? अभी वंडर वुमन आई ना, बट इन हिंदी, इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में बॉलीवुड ना अभी तक नहीं आई है, तो डू यू थिंक क्या आनी चाहिए और आप प्ले करना चाहेंगे? नहीं, मैं खुश हूँ। नहीं बट नहीं, ही डिड ना, मिनीशा और अभय ने करा था ना,
So I think that was of course super cool. Yeah, with all those superpowers. Yeah, why not? Yeah, yeah. So कोई आपके ज़हन में है क्या ऐसा कोई कैरेक्टर होना चाहिए? I think I really liked Wonder Woman. Okay. ये मूवी के साथ बहुत सारे क्लैश भी हो रही है मूवी जैसा उमर था राजकुमार सर की और भी बहुत सारी डू यू थिंक ये इफेक्ट करेगी लोगों को क्योंकि डाइवर्ट हो जाएगी बहुत सारी मूवी बिल्कुल नहीं आई थिंक दोनों फिल्में काफी अलग है यू नो मतलब दोनों नहीं तीनों फिल्में चार और भी है दास देव है और भी बियॉन्ड द क्लाउड्स बियॉन्ड द क्लाउड्स एंड तेरा एज उमर था मोर देन 5 टू 6 मूवीज सो डू यू थिंक Abhay would know that more because he's been here since so many years. Nicely put. you know what? ख्वाहिश तो ये है कि सारी फिल्में अच्छा काम करें, you know. And I think वो possible है. Audience numbers हैं हमारे पास. अगर एक फिल्म को अच्छी तरह से market किया गया, कम से कम लोगों को awareness तो है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो फिर उसके बाद में word of mouth पर चलेगी फिल्म. You know, marketing will serve a purpose to bring attention, to bring awareness. वो वहाँ से आ जाएगी. And then for a film to do well, वो फिर product पे depend होता है. And I believe that हमारे पास audience है to sustain 4-5 movies. And मैं hope करता हूँ कि चारों फिल्में चलें, पांचों फिल्में चलें. It all depends on the product in the end of the day. मैं माजिद मजीदी का बहुत बड़ा fan हूँ. तो मैं तो look forward कर रहा हूँ उस film को देखने के लिए. एंड मैं तो चाहता हूँ लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचे कि इतना बड़ा डायरेक्टर है इतना हम्बल और टैलेंटेड है अब हम उनके साथ आ रहे हैं यू नो सो आई वुड वांट हिज फिल्म टू डू वेल आई वुड वांट आवर फिल्म टू डू वेल आई वुड वांट राजकुमार फिल्म टू डू वेल यू नो एंड आई थिंक अगर अच्छी बनी है तो फिर इन सबको ऑडियंस मिलेगी सर आपको लास्ट टाइम हमने हैप्पी भाटियागिरी में देखा फिर उसके बाद अब आ रहे हैं तो कैन वी से कि आप चूजी हो चुके हैं स्क्रिप्ट को लेकर मैं हमेशा से चूजी रहा हूँ लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जल्दी करूँ काम है ये नहीं कि मुझे लंबे ब्रेक्स चाहिए बट वो हो जाता है स्पेशली क्योंकि मैं फॉर्मूला वाली फिल्में नहीं करता हूँ तो मेरी जैसी फिल्में कम बनती हैं तो फिर ऑब्वियसली उनमें टाइम लग जाता है लेकिन पिछले साल से मैं बिज़ी रहा हूँ मैं 5 फिल्में शूट कर चुका हूँ 2-3 और शूट करने जा रहा हूँ ये साल में आई थिंक लेटली मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी लोग अभी थोड़ा अलग तरह से सोच रहे हैं थोड़े ज़्यादा बड़े चांसेस ले रहे हैं एंड आई थिंक शायद अभी वो टाइम आ गया है 2007-8-9 में जब मैं ऐसी फिल्में बना रहा था तब और कोई बना नहीं रहा था उनको रिलीज़ उनको इसलिए मिली क्योंकि उस वक्त मल्टीप्लेक्सेस बन रहे थे उनका एक एक्सप्लोजन चल रहा था तो इसलिए वो फिल्में निकल गई लेकिन फिर जब वो मल्टीप्लेक्सेस बनने बंद हो गए तो फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो गई वापस लेकिन अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है तो शायद उसकी वजह से अभी और भी लोग आ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले शायद बोल रहे होंगे कि हमें ऐसे टाइप के आइडियाज़ चाहिए हाँ स्टार चाहिए लेकिन हमें आइडियाज़ भी नहीं चाहिए हम वो इमेज के साथ नहीं जा रहे हैं हम अपनी इमेज के साथ जा रहे हैं तो शायद उसकी वजह से और भी एक एक्साइटमेंट आ गया इंडस्ट्री में सो होपफुली यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ मी ओके लास्टली दो सवाल एक्ट्रेस की जिंदगी में एक उतार चढ़ाव आते रहते हैं बहुत से जन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं रिसेंटली हमने देखा कि कपिल शर्मा को भी देखा कि डिप्रेशन में चले गए उनको उनके बारे में या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपकी राय क्योंकि आप पर्सनली भी मिल चुके हैं उन्हें फॉर प्रमोशन इन कपिल को मैं कपिल को दूँ कपिल को तो अगर मुझे कपिल को देनी पड़ेगी तो मैं उनको फोन करके बोल दूंगा ना एडवाइस आपको क्यों बोलूँ टीवी को क्यों बोलूँ मैं क्या फायदा होगा उसका एडवाइस क्या कहना चाहेंगे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं सो इन जनरल ना आई डोंट नो एक तो डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिप्रेशन जो है उस चीज के लिए एडवाइस इनफ नहीं होगी उसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी मैं कुछ नहीं कर सकता और दे सकता हूँ किसी को जो जेन्युइन डिप्रेशन में है बट हाँ बेसिक डिप्रेशन तो हम सबको होती है और मैं भी एक एक्टर हूँ तो मैंने अपने आप को कैसे रोका उससे या उससे कैसे मैं निकला हूँ वो ये है कि मैं अपने आस पास देख लेता हूँ कि अच्छा मेरे पास है क्या अच्छा परिवार है छत है ओके कौन सी फिल्में की है मैंने ये करनी थी बना दी वो करनी थी बना दी अब हिट गई फ्लॉप गई कौन जाने क्या फ़र्क पड़ता है बट तेरी मनमानी भी हुई है सो व्हाट एम आई डिप्रेस्ड अबाउट अभी प्रॉब्लम है लेकिन उस टाइम भी प्रॉब्लम्स थी हाँ फिर भी बन गई वो फिल्में निकल भी गई अभी थोड़ी और प्रॉब्लम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हाँ पर किसने कहा कि ज़्यादा आसान होगा और फिर जब अपनी खिड़की के बाहर देखता हूँ और बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं किसी के हाथ नहीं है किसी की लात नहीं है तो क्या मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है इनकी ज़िंदगी देखो आई थिंक मैं अपने आप को फिर बता देता हूँ कि यार लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू तुम अकेले नहीं हो जिस पर ये बीत रही है बहुत सारे हैं
और हर किस्म के लेवल हैं लोगों के, तो मैं अपनी प्रिविलेजेस पर फोकस करता हूँ फिर, और मैं देखता हूँ मेरी इतनी प्रिविलेज है, और फिर सडनली वो डिप्रेशन से मुझे थोड़ा अपने आप पर एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है कि तुझे इतना दिया हुआ है लेकिन तू फिर भी रो रहा है और चीज़ों के लिए, यू नो, एंड देन उसके बाद में थोड़ा कंपैशन भी आ जाता है. But depression, I think it, I don't know, nowadays everybody is saying I'm depressed. That's why I said, you know, clinical depression, yeah. You can't talk. So I really don't know. If you are depressed, then go to a psychiatrist, psychotherapist and get yourself healed. Otherwise, it can lead to big problems, yeah. Sometimes you can just take a break, maybe just a little break from work. Just go travel, have fun, meet new people. It might help you, you never know. Yeah. Okay, lastly, Dashiko, what would you like to say? You know, 20 April, you are coming, your movie is coming, cinema is coming. Ask me from that. Let me tell you. What would you like to say? 20 April, our film Nanu Ki Janu is coming. Please go and see it. Abhisar? I'm being asked to make a sales pitch. Please tell them what means sales pitch. So basically, Abhay ko aap mat poochhe. Kyunki jab Abhay bolna shuru karta hai, to wo bolte hai beyond the clouds jaake dekhiye, kyunki unki favorite filmmaker ki film hai. Par main manti hu bilkul jaake dekhiye, par hamari film pehle jaake dekhiye. To Abhay jo bolenge suniyega mat. Main nahi kuch bolunga, isne bol diya. Main to abhi rok raha hu apne aap ko. Main apni khud ki film nahi bech pa raha hu. Thank you talking to us, aur next success mein zarur milega. Thank you.